भरतपुर में गुरुवार को कस्बे की टाउन चौकी पर थानाधिकारी रघुवीर सिंह की अध्यक्षता में सीआईजी सदस्यों की बैठक। रक्षाबंधन मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने त्योहारों सद्भावना व शांतिपूर्वक मनाए जाने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष दीनानाथ गुप्ता ने शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों पर रोक लगाने एवं कस्बे में हुई चोरियों की खुलासा करने की मांग की और जुआ व सट्टे व मोबाइल छीनकर भाग जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। व्यापार मंडल के सचिव दाऊ दयाल रसवारिया ने कहा कि नगर पालिका द्वारा लगाए गए कस्बे में सीसीटीवी कैमरे की घटिया किस्म के हैं, इन्हें हटवाकर नए कैमरे लगवाए गए। बैठक के दौरान सलीम खान द्वारा कामा गेट स्थित मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तानों पर एक महिला द्वारा अलग अलग पार्टियों को बेचने का मुद्दा रखा। इस मौके पर थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने शीघ्र ही इन मुद्दों पर शीघ्र निपटारा करने का शहरवासियों को आश्वासन दिया और साथ ही रक्षाबंधन एवं मुहर्रम पर सभी लोगों को शुभकामनाएं।